हे गाइस, वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है। जैसे स्कूल में पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है, अगर ऐसा रिलेशनशिप्स में भी होता तो क्या होता। देखो, नमस्ते। हेलो, मैं आरजू की मम्मी जी। आपका दोनों मैं कब से वेट कर रहा था। आपकी बेटी ना एक नंबर की सेक्सी। सॉरी, किसी और की रिपोर्ट। ये आपकी बेटी काफी छोटे। तो आपकी बेटी को ना मैं पिछले 3 महीने से डेट कर रहा हूँ। जी जी, मेरी बेटी है इतनी सुंदर। हाँ। आंटी जी, पिछले 3 महीने में ना मैं इसका 2100 रुपए का रिचार्ज करा चुका हूँ, लेकिन ना विश्वास नहीं मानोगे, इसने कभी सामने से खुद मुझे कॉल नहीं करी होगी। नंबर मुझे करनी पड़ती है। क्यों बेटा, तुमने कॉल क्यों नहीं किया उसे? मम्मी, बाकियों का नंबर तो 10 डिजिट्स का है और इनका सिर्फ 7 का। तुम्हारा इतना छोटा है? मेरा मतलब है फोन नंबर। और बेटा क्या हुआ, 2100 रुपए शगुन ही समझ लो। आंटी जी, आप ना विश्वास नहीं मानोगे, हमारी इस बॉयफ्रेंड एकेडमी का उद्घाटन श्री रणबीर कपूर जी ने अपने हाथों से किया था। जी हाँ, हाथों से। तो पिछले 2 साल में मैं 25 लड़कियां डेट कर चुका हूँ, लेकिन ये वाला बैच ना सबसे घटिया है। आपकी बेटी इतना शोर मचाती है। क्या शोर मचाती है? अरे मेरा मतलब, हर बात जाके अपनी बेस्ट फ्रेंड्स, बेटर हाफ, सोलमेट, माय अदर, क्या उन सबको बता देती है। आंटी, मैंने ना इसे एक बार किस करने को बोला। ऑब्वियसली बॉयफ्रेंड अकेडमी के क्रैश कोर्स में ये भी पार्ट है। कहती कि पहले एक दूसरे को थोड़ा जान लेते हैं, अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ा लेते हैं, तब करेंगे। मैंने कहा ठीक है भाई, लड़की बोल रही, मान लेते हैं। पर आंटी जी, सिर्फ 2 मिनट बाद, 2 मिनट में मैगी भी नहीं बनती, इसका मुंह बन जाता है। 2 मिनट में से कहती है 25,000 रुपये ड्रेस देके, बेबी बेबी ये दिलवाया था ना, मतलब मेरी सैलरी देने 25,000। आंटी अब क्या करो, आप खुद बोलो ना। बोलो, तुम बोलो ना। अब मम्मी मैं क्या कहती, आप खुद ही बताओ। मैंने तो सिर्फ अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ाने के लिए ड्रेस दिलाने को बोला था। शौक नहीं है, मैं तो बस चेक करना चाह रही थी। मेरे लिए क्या क्या कर सकते हैं? तेरे बाप ने कभी मुझे इतनी महंगी ड्रेस दिलाई है, तो ये तुझे दिलाएगा? अरे ड्रेस से याद आया, तो पिछली बार 200 रुपए की इतनी महंगी कुर्ती लेके आई थी मुझसे बिना पूछे, वापस करके आए या नहीं? मम्मी, आसपास सब लोग देख रहे हैं। अरे देखने को बचा क्या है, तूने मेरी नाक कटा दी। एक बॉयफ्रेंड तुझसे संभाल नहीं रहा, तेरी उम्र में मैं 4-4 बॉयफ्रेंड संभाल लिया करती थी। 4? आंटी जी, लोग कुछ कहते नहीं थे। बेटा तुमने वो कहावत सुनी है? कौन सी, जिसकी लाठी उसकी भैंस? नहीं, भैंस के आगे बीन बजाना। अरे नहीं, धोबी का कुत्ता ना। अरे मेरी बात तो सुनो, कि 4 लोग क्या कहेंगे, और वही 4 लोग मेरे बॉयफ्रेंड थे, तो क्यों कोई मुझे कुछ और कहेगा। बट मम्मी चुप कर, चल घर पे, आने दे तेरे बाप को, सब बताती हूँ। आंटी जी, मेरे 2100। बेटा ये रात रात भर। I know, she's got a great stamina, I must say. कैसी बातें कर रहे हो तुम पापा के सामने? इन्होंने तो शुरू करी। अरे मैं बोल रहा हूँ, रात रात भर तुमसे फोन पे बातें करती रहती है। मैं भी तो यही बोल रहा हूँ, रात रात भर मुझसे फोन पे बातें करती रहती है, लेकिन मैं नहीं कर पाता, ये बहुत बोलती है। Great stamina. तुम्हारा स्टेमिना इतना वीक क्यों है? क्या? Actually पापा, ये ना बातें करते करते जल्दी थक जाते हैं, इनमें इतना स्टेमिना नहीं है ना, है ना पापा? हाँ, exactly. अब ये टाइम वेस्ट ना करते हुए, जिसके लिए मैंने तुम लोगों को यहाँ बुलाया, बात कर ले। हाँ बताओ। तो बेसिकली हमारी एकेडमी ने कुछ न्यू रूल्स लॉन्च करे, तो वही बताना था। रूल नंबर 1, शॉपिंग का खर्चा लड़की खुद उठाएगी। ऐसे कैसे, अब बॉयफ्रेंड शॉपिंग भी नहीं कराएगा तो क्या करेगा? घर में कराएगा। वो कुड़ी मनु केंदी मनु जुत्ती ला दे सोनिया, गया ना गोरिये, ना 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 गोरिये। बेटा हाँ, वो क्या है ना कि एक टाइम पे मैं तुम्हारी मौसी को ना बहुत शॉपिंग कराया करता था। मौसी को या मम्मी को? अरे मैं क्या कह रहा था ना कि हम लेट हो रहे हैं, तो चलते हैं। टाटा बाय। हाय। हाय, ये मेरी मम्मी है। आंटी, आपकी बेटी ने ना जीना आराम कर रखा है, मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। क्यों यार, इतना बोलती शांति नहीं होती, परेशान करके रख रखा है इसने। अरे बेटा मैं क्या बताऊँ, हमारे घर में जब से ये पैदा हुई है हम तो तभी से परेशान है। इतना बोलती है चुप होने का नाम ही नहीं लेती है। एक बार बोलना शुरू करती है, बोलती ही रहती है चपड़ शांति का नाम ही नहीं लेती है। पूरे घर में बोलती फिरती है, सुबह से बोलना शुरू करती है, शाम तक बोलती ही रहती है। इसको देखकर हम थक जाते हैं, लेकिन ये नहीं थकती। इसको देखकर हमारा गला सूखने लगता है, इसका गला नहीं सूखता। इसके बोलने में कोई कमी नहीं आती, जब तक इसके मुंह में पता नहीं किस पे गई है। आंटी जी, इसका तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन आपको एक बात बोलूं, आप यहाँ से चले जाओ, आपको देखे ना मेरी ज्यादा बोलने लगती है। छोटू, टोकरी में फोन लगा।
ये तो तुम्हारे पापा नहीं है। एक्चुअली मेरा एक्स। सो सर, कैसे लगी परफॉर्मेंस आपको इसकी? देखो यार, तुम तो एक्स हो, तुमसे क्या छुपाना। जी जी, चिल्लाती बहुत है। क्या मेरा मतलब, जब भी इसके आगे कहो क्या अप्रोच या फिर छिपकली, कुछ भी आदत बहुत चिल्लाती है। अरे ये तो उसकी पुरानी आदत है, मैं जरा परफॉर्मेंस के बारे में तो बताइए। इसकी छोड़ो, तुम ना अपनी परफॉर्मेंस पे थोड़ा ध्यान दो। क्या मतलब? इसने मुझे बताया था कि तुम एक मिनट में वैसी नहीं संभलते, अब कैसे होगा मेरा टाइम पास। हाय बेबी। हाय, ये है मेरे पापा। नमस्ते बेटा। नमस्ते अंकल जी। ये हमारी बिटिया जिसको देख के लड़के मारते हैं सीटियां। तुम जैसे लड़कों के हम खड़ी कर देते खटिया। बाबा बाबा क्या होता है यहाँ पर, कभी सम्मेलन चल रहा है? सॉरी, काय बुलाया हमको? हाँ, तो ये जो है आपकी बिटिया, ये जो है आपकी बेटी, ये डेट पे आती है लेट ही, मेरा मतलब लेट, बहुत लेट आती है डेट पे। 15-15 मिनट बोल के एक घंटा लगा देती है, और घंटा नहीं 15 मिनट में आती। ऐसा क्यों? पापा मैं कोई लेट नहीं चाहती, वो आपको तो पता ही है मेरे एग्जाम्स चल रहे हैं, इस वजह से थोड़ा बहुत लेट हो जाती है। तो ससुरा तुम क्या चाहते हो, ये पढ़ाई छोड़ दे, तुम्हारे साथ आज की लड़ाई। तो आपने एडमिशन क्यों कराया था? पर अरे फेल हो गई, बुरा लगे ना? पर अंकल लेट आती तब भी तो बुरा लगता है। लेट पे लेट आए तो चलता है, अगर एग्जाम में तुम्हारी वजह से फेल हो गई ना, तो तुम्हारे नाम के आगे हम लेट लगा देंगे, कसम गंगा मैया की बोल। अच्छा अंकल, फेल से याद आया, आंटी कैसी है? क्या मतलब, ये कैसा लड़का पसंद किया तुमने? पापा उसकी पूरी बात सुनो। अरे सुनने पर है क्या क्या है, हम बहुत इज्जतदार लोग हैं। बीड़ी पिएगा कोई? आराम, रुक जा। क्या बीड़ी, घर पे गांजा पड़ा है। चुप, तू आज की लड़ाई से नैन में टक्का कर, मैं बीड़ी पी के आता, ठीक है? अच्छा अंकल, आप जा ही रहे हो तो मुझे ना आशिकी से याद आया, अभी काम वाली कैसी है? तेरी भैंस की। हे गाइस, वीडियो पसंद आई ना? आई ना, मुझे पता है आई। अगर पसंद आई है तो लाइक जरूर कर देना, जितने ज्यादा लाइक होंगे उतनी जल्दी अगली वीडियो आएगी। और पिछली वाली सीरीज का अगर पार्ट 3 चाहिए तो इस पे कम से कम आप 20,000 लाइक करा दो, पिछली वीडियो का थर्ड पार्ट उसी टाइम आ जाएगा। कमेंट में बताओ आपको सबसे बढ़िया क्या लगा, और अगर ऐसी यूनिवर्सिटी होती तो आप अपने साथ किसको लेके जाते? अपने पापा को, मम्मी को, भाई को, चाचा को, ताऊ को, पड़ोसी को, रिश्तेदार को, किसको लेके जाते? और सब्सक्राइब कर देना गाइस, फ्री है, सब्सक्राइब के साथ वाला बेल आइकन दबाओ ताकि वीडियो आती है आपको नोटिफिकेशन आ जाए। बाय। तो मजा ले, इसका गला सूख जाए, इसका गला नहीं सूखता, अंत सूख। कुड़ी मैनू कहंदी, मैनू जुत्ती ला दे सोनिया, मैं गया ना गोरिए, ना 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 गोरिए।